हेल्दी पाकिस्तान हैप्पी पाकिस्तान ये मिशन लेके हम आपके साथ आए हैं। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सेहत का ताल्लुक जिस्मानी, जहनी और समाजी बहबूद भी है, इबादत भी है। हमें पता है कि हम बीमारियों के लिए सिर्फ दवाएं नहीं होती, उससे पहले अगर हम एहतियात करें तो काफ़ी सारी चीज़ों से बच सकते हैं। अमराज कल्ब, फालेज, सरतान, काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं जिनसे हम बच सकते हैं। एहतियाती तदबीर हैं क्या इसमें? ग़िज़ाइत से भरपूर खाना खाएं, ताज़ा और सेहत बख्श खाना खाएं, फल, सब्ज़ियाँ, मेवाजात, जो नेचुरल चीज़ें हैं, चिकनाई से कम से परहेज़ करें, जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें। मीठी चीज़ें जैसे मशरूबात, शक्कर वाली चीज़ें, मिठाइयाँ, इनसे परहेज़ करें। कम नमक वाली चीज़ों का इंतखाब करें। नशा या सिगरेट नोशी कोई भी आप करते हैं उससे परहेज़ करें। अपने जिस्म में वेट वग़ैरह देखें, बढ़ रहा है तो उसको देखें क्यों बढ़ रहा है। सेहतमंद ज़िंदगी, तर्ज़ ज़िंदगी को बरकरार रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और ना ही इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अपना काम मामूल के मुताबिक अंजाम दें और सेहतमंद रहने के मशवरों पर अमल करें। नजर वजर लग गई होगी बहू, एक काम करो, इसे भी बुखार हुआ है, जो दवाई फ्रीहो को दी थी वो उसे भी पिला दो। ठीक है अम्मी। अम्मी देखिए तो, अम्मी देखिए, इसे तो अब उल्टियाँ भी शुरू हो गई हैं, अब तो इसको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, फौरन लेकर जाओ। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे बेटे को देखिए, ये मुझे बहुत बीमार लग रहा है, इसको बुखार, सर दर्द, गले में दर्द और अब उल्टियाँ भी हो रही हैं। हमने इसको ये दवा दी थी। अरे ये क्या दे दिया, ये तो आप लोगों ने मलेरिया की दवाई खिला दी है जिसकी वजह से ये अब उल्टियाँ कर रहा है। बुखार की कई वजूहत हो सकती है, आप लोग खुद से दवाइयाँ क्यों दे देते हैं? याद रखिए, हमेशा दवाइयाँ डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें और दवाइयाँ बच्चों की पहुँच से दूर रखें।